सांबा का एक केस जो आप सब लोग काफ़ी देर से जानते हैं, और हमारे जो सांबा के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वो आपको बार बार इसके बारे में भी बताते रहते हैं। मैं आपको आज एक बार फिर से इस केस के बारे में बताना चाहूँगा। ये मेसर्स इंडो गल्फ क्रॉप साइंस लिमिटेड इंडस्ट्री है सांबा की, जहाँ से एक HR में काम करते हुए नीरज सम्ब्याल हैं, उनको बिना किसी नोटिस दिए उनको कंपनी से बाहर निकाल दिया जाता है। कारण पूछा जाता है तो कारण कंपनी के द्वारा कुछ नहीं बताया जाता, उनको उनकी एंट्री जो है कंपनी के अंदर डीबार कर दी गई है, उनको अंदर नहीं आने देते। लेकिन इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज ये पूरा डेलीगेशन जो है एडवाइज़र टू गवर्नर के शर्मा जी से मिला, और के शर्मा जी ने इनसे क्या बात की और आखिरकार ये क्या कहना चाहते हैं, इसी सब पे बात करने के लिए जेके मीडिया पर हमारे साथ अभी बात करने के लिए मौजूद हैं सरपंच मंडी कैली मंडी से रविंदर सिंह सम्ब्याल जी और नीरज सम्ब्याल जी भी, जिनको कंपनी से बिना किसी ऑर्डर के जो है बाहर निकाला है। सर, आज आपकी गवर्नर साहब से मुलाकात हुई है, क्या आपकी बात हुई और क्या आप अपनी बात रखना चाहते हैं? धन्यवाद अच्छी जी, मैं जेके चैनल का बड़ा आभारी हूँ कि इन्होंने हमें टाइम दिया और हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जैसे प्रॉब्लम है इनको हर समय हर पाथ पे आगे रखती है। जैसे कि हम बता दें आपको कि 12 जनवरी से हमारे नीरज सम्ब्याल जी जो इंडो गल्फ क्रॉप साइंस में एज ए HR की पोस्ट पे काम कर रहे थे, उनको बिना किसी रीज़न के बिना किसी नोटिस के निकाल दिया जाता है। तो इसके मुताबिक वो 15 तारीख को ALC सांबा असिस्टेंट लेबर कमीशनर सांबा से मिलते हैं और उनको अपनी आप बीती के बारे में बताते हैं। तो ALC के बाद कोई एक्शन नहीं लेने के बाद हम जम्मू एडिशनल डिवकॉम राहुल शर्मा जी से मिलते हैं, उनकी तरफ से डायरेक्टर इंडस्ट्री एंड कॉमर्स और DC सांबा को एक नोटिस निकाला जाता है कि इस मैटर को देखा जाए। उसके बाद हम ADC सांबा से मिले, उन्होंने ALC सांबा और DIC सांबा मैनेजर को वहाँ पे बुलाया अपने ऑफिस में और उन्होंने बोला कि इस मैटर को सॉर्ट आउट कीजिए। जब हम उनके पास ALC सांबा के पास जाते हैं, उन्होंने हमें बताया कि मैं इंडस्ट्री वालों को बुलाता हूं और उनसे साथ बैठ के बात करते हैं। जब इंडस्ट्री वालों को बुलाया, उन्होंने उनको इसके लिए रीज़न पूछा कि इनको निकालने का रीज़न बताइए, तो उनके पास कोई रीज़न नहीं था, उन्होंने उनके लिए 2 दिन का टाइम मांगा, रिटर्न में उनसे 2 दिन का टाइम मांगा, वो लेटर हमारे पास है। 2 दिन के बाद जब हम उनके पास जाते हैं तो उनका कोई भी जवाब वो नहीं दे पाए, तो उसके लिए ALC सांबा ने एक रिटर्न में ऑर्डर निकाला कि मैंने इनको बुलाया था तो ये कोई भी जवाब देने में फेल हो गए हैं। उस ऑर्डर को लेकर वापस हम ADC सांबा के पास जाते हैं, उन्होंने जॉइंट कमिश्नर डायरेक्टर इंडस्ट्री एंड कॉमर्स को कॉल करके उनसे बोला कि ऐसा ऐसा एक मैटर बना हुआ है तो प्लीज़ इसका सॉर्ट आउट करवाएं। तो जब हम जॉइंट कमिश्नर के जॉइंट डायरेक्टर के पास जाते हैं, उन्होंने हमें रेफर किया कि आप DIC सांबा के पास जाएं तो वो इस मैटर को देखेंगे। DIC सांबा के पास जब हम गए, उन्होंने इंडस्ट्री के लिए DIC सांबा ने एक लेटर निकाला जो हमारे पास यहाँ पे लेटर है, इंडस्ट्री को और ALC सांबा को, उसके बीच में बैठ के उन्होंने कहा इस बात को सॉर्ट आउट करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात हमारे यहाँ के गवर्नर साहब को बताना चाहता हूँ कि एक आदमी जो इस HR की पोस्ट पर 9 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहा है विदाउट रीज़न और बिना किसी कोई कारण बताए हुए उससे इंडस्ट्री से निकाल दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह इंडस्ट्री वालों पे जो अपनी मनमानी कर रहे हैं उनके ऊपर उठता है। जब ये इंडस्ट्रीज लगाई गई थी तो तब यहाँ पे हमारे साथ जो कमिटमेंट्स की गई थी लोगों के साथ जो हमारी गवर्नमेंट वहाँ की थी, तब ये बोला गया था कि यहाँ पे जो है 90% लोग जो हैं लोकल लगेंगे और 10% कुछ लोग बाहर के लगेंगे। लेकिन अगर आज इंडस्ट्री में देखा जाए तो हमारे 10% लोग भी लोकल जो हैं वो नहीं लगे हुए हैं, और जैसे कि मैं आपको बता दूँ जैसा ये नीरज सम्ब्याल जी के साथ हुआ है ऐसे हजारों नीरज सम्ब्याल जी सांबा में हैं जिनके साथ रोज ऐसा हो रहा है। लेकिन कारण ये है कि जब हम किसी ऑफिसर के पास जाते हैं तो उससे एक दूसरे ऑफिसर को हमारा ऑर्डर दिया जाता है कि उससे करें। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर कुछ इंडस्ट्री के कुछ रूल एंड रेगुलेशंस हैं, कुछ नॉर्म्स बने हुए हैं, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के पास हम गए हैं, उनके अगर कुछ नॉर्म्स बने हुए हैं, कुछ रूल्स बने हुए हैं, SRO बने हुए हैं, वो कहां जाते हैं जब एक गरीब आदमी की बात आती है, वो SRO कहां जाते हैं? इसके लिए हम बार बार इनसे पूछते हैं कि रूल एंड रेगुलेशन तोड़े जा रहे हैं बिना किसी मनमर्जी के, बिना किसी कारण के। एक आदमी को जो 9 साल से जब वो शुरू हुआ था, ये नीरज सम्ब्याल ने एक एज ए लेबरर की पोस्ट से वहाँ से शुरू किया था, अपनी मेहनत से ईमानदारी से कंपनी ने इनको प्रमोट करके आज एज ए HR की पोस्ट पर बैठाया हुआ है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि उनको सीधे जब वो कंपनी में जाते हैं उनका गेट बंद किया जाता है, आपको कंपनी से निकाल दिया गया है, कोई रूल एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं किया जा रहा, कोई पूछने वाला कोई बात करने वाला नहीं।
आज हम हमारे एडवाइजर टू गवर्नर के शर्मा जी से मिले, उन्होंने लेबर कमिश्नर जम्मू को ये पूरा मैटर फॉरवर्ड किया है। लेकिन उसके साथ साथ हम ये कहना चाहते हैं कि इंडस्ट्री का जो हमारे सांबा में हालत है, इससे पहले भी हमारी क्रॉप साइंस लिमिटेड कंपनी है जिससे 100 लेबर को बाहर निकाल दिया गया था, उसके लिए भी हम ALC सांबा, DIC सांबा, ADC सांबा सभी के पास एक एक करके गए हैं, उसकी भी पूरी फाइल हमारे पास पड़ी है, लेकिन तब भी हमें कुछ नहीं बोला गया। आज गवर्नर साहब ने सरपंचिस को ये बोला है कि आप अगर आपके लोगों के साथ जायती होती है, कुछ भी होती है, तो आप इनके साथ खड़े। आज एज ए सरपंच मैं इनके साथ खड़ा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी जिस टेबल पे हम जा रहे हैं वहां से हमारी फाइल उठ के दूसरे टेबल पे चली जाती है। गरीब लोगों के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा, गरीब लोगों के लिए कोई सुनवाई नहीं की जा रही। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे कि ये इंडस्ट्री वाले हैं, इन्होंने अपनी मनमर्जी से किसी ऑफिसर को ये नहीं मानते। एडिशनल कमिश्नर डीपकॉम ऑफिस से अगर हम लेटर लेकर जा रहे हैं तो उस लेटर को भी ये नहीं मान रहे और वहां पे लिख के दे रहे हैं कि हम इसका जवाब आपको 2-4 दिन और डिले करते जा रहे हैं। जैसा कि आपको बता दूं कि इंडस्ट्री सांबा में आई थी, सांबा में इंडस्ट्री आई थी लोगों को रोजगार देने के लिए, लोगों का रोजगार बढ़ाने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिए। लेकिन हालत ये है कि हमारे सांबा में जो गांव हैं, नीचे के हमारे बॉर्डर के एरिया लगा लीजिए, सपोवाल के एरिया, विजयपुर के जितने भी हमारे कृषि वाले एरिया थे, खेती बाड़ी वाले एरिया थे, वहां पे आज ये हालत आ गई है कि वहां पे घास तक नहीं उग रहा। वजह क्या है? इंडस्ट्री का जो केमिकल है ये सारा निकाल कर हमारे बसंतर में डाल देते हैं। एक बार फिर से आपसे बात करूंगा नीरज जी, आपका 9 साल का जो वहां पर काम रहा है, बिना किसी नोटिस के आपको निकाल दिया, कोई बात वगैरह हुई थी आपको निकालने से पहले क्यों निकाला जा रहा है, या कोई आपका ऐसा कोई बिहेवियर रहा जिसके चलते इन्होंने निकाला, कोई बात हुई थी आपके साथ? देखो, मैं ना हमारे जो DGM सर है ना, उनसे उन्होंने मेरे को कहा कि वहां से हेड ऑफिस से फोन आया है, मैनेजमेंट का डिसीज़न है कि आप यहाँ से जाओ। तो मैंने पूछा, सर मेरे को रीज़न तो दो, मैं 9 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मेरे पे इतनी सारी लाइबिलिटीज़ हैं, एकदम से आप बोलोगे आप यहाँ से चले जाओ तो मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे पास तो कोई जॉब भी नहीं होगी आगे, अभी सीज़न ऑफ है तो हमें जॉब मिलेगी नहीं। तो उस चलते कुछ नहीं, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया मेरे को, वन मंथ नोटिस पे दे के कहते आप जाओ यहाँ से, और 12th of January को मेरा गेट बंद कर दिया। तो जो हमारे साथ के एम्प्लॉय थे वहाँ पे सारे, वो सारे उन्होंने समझा मेरे साथ स्टैंड लिया, जैसे इस फाइल में है सबके साइन है, लेकिन बात वो नहीं है। बात ये है कि एकदम से आप किसी को कैसे निकाल सकते हो? कोई रीज़न दो, कोई कुछ तो दो मेरे को, मैं भी किसी कंपनी में जाऊँगा दोबारा इंटरव्यू देने, किसी को बताऊँगा कि मेरे को इस रीज़न से निकाला है। अगर मैं चोर हूँ या कुछ मैंने गलत काम किया है तो भी मेरे को बताओ, अगर गुंडागर्दी की है, कुछ किया है तब भी बताओ, लेकिन कुछ नहीं बताया मेरे को इन्होंने, कोई रीज़न नहीं दिया मेरे को। क्या अपील करना चाहेंगे गवर्नर साहब को, अगर ये वीडियो वो देख रहे हो? मैं उनसे यही अपील करना चाहता हूँ कि प्लीज़ ऐसा मत होने दो, किसी भी एम्प्लॉय के साथ ऐसा मत होने दो, क्योंकि अगर हम महीने में 5,000 कमाते हैं, 10 कमाते हैं, तो उस हिसाब से हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं। तो अगर हम इस, मैंने जैसे कि लोन ले रखा है, मेरे बच्चों LIC ले रखी है, मेरे बच्चों की फीसें हैं, सब है, मैं कैसे कहाँ जाऊँगा एकदम से? एक महीने की सैलरी एडवांस लेके मैं कहाँ से पूरी करूँगा? तो प्लीज़ ऐसा मत होने दो। सरपंच साहब, एक बिल्कुल आखिर सवाल है आपसे, आप कैली मंडी के सरपंच भी हैं, अगर इस तरह की चीज़ें ये जो कंपनी जो बाहर से आके काम कर रही हैं, अगर एम्प्लॉयज़ के साथ इस तरह से करते रहेंगे, तो क्या सांबा में आप इस चीज़ को, मतलब इस चीज़ को किस तरह से एक्सेप्ट करेंगे? और अगर गवर्नर साहब के एडवाइज़र्स ने भी कोई कड़ा रुख नहीं लिया, इनकी नौकरी बहाल नहीं हुई, तो क्या अगला रुख होने वाला है? देखिए शी जी, जैसा कि आप इनसे पूछ रहे थे कि आपको कैसे बताया गया और कैसे वहाँ से निकाला गया, मैं आपको बता दूं कि छोटी मोटी कंपनी इंडो गल्फ एक लिमिटेड कंपनी है, उसका पूरा रिकॉर्ड है। हम ये बोलते हैं कि 9 साल के रिकॉर्ड में नीरज संब्याल का रिकॉर्ड चेक किया जाए, उसके बीच में अगर कहीं भी इनडिसिप्लिन क्रिएट हुआ है, कोई गलती इनसे हुई है, उसके बारे में पूरा डिटेल में बताया जाए और इनको निकाला जाए। अगर एज ए, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ पे ये जो कंपनीज आई हैं, तो ऐसे अगर ये इरेगुलरिटीज और बैलेंस क्रिएट करेंगे जिससे कि लोगों के अपने नाम्स भी इनसे क्लियर नहीं किए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं मतलब हम लोगों के साथ विश्वासघात किया जा रहा है, हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। गवर्नर साहब, एडवाइजर टू गवर्नर साहब से आज मिले हैं, अगर इसके ऊपर हमारा नहीं होता है तो हम एक धरना जो है
है नीरज संभ्याल को, सांबा की इंडस्ट्री को, जो वहाँ पे सारे लोग कर रहे हैं उनके लिए एक धरना शुरू करेंगे, और हम उस टाइम तक वहाँ से उठेंगे नहीं जब तक ये पूरी बात क्लियर नहीं हो जाती कि किस बिहाफ पे असिस्टेंट लेबर कमीशन ने स्टैंड नहीं लिया, DIC सांबा ने स्टैंड नहीं लिया, ADC सांबा ने स्टैंड नहीं लिया, किस वजह से क्यों हमें सांबा से उठकर जम्मू आना पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि जैसे हमारी पहले की जिंदगी चलती थी, अगर नहीं काम होता है तो रोड बंद कर दो, लोगों को परेशान करो, एडमिनिस्ट्रेशन हमारे खिलाफ हो जाए, अगर ऐसे काम ये चाहते हैं कि दोबारा हम ऐसे ही काम करें, हम लोग दोबारा सड़कों पे आ जाएं, तो हम चाहते हैं, हम काफी बार हर जगह पे ये बोलते रहते हैं कि गवर्नर रूल अच्छा है, लेकिन गवर्नर रूल होने के बाद भी, हमारे यहाँ पे प्रेजिडेंट रूल होने के बाद भी हमारे लोगों को ये जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, जैसे आपको बता रहे हैं कि अगर प्राइवेट सेक्टर में एक छोटा सा काम कर रहे हैं तो उनको भी बिना किसी नोटिस के, बिना किसी रीजन के बेदखल कर दिया जाता है, तो ये लोग कहां पे जाएंगे? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर इनको आज ऐसा किया जा रहा है, हमारे लोगों के साथ ऐसा होगा, तो कल को क्राइम रेट दोबारा बढ़ जाएगा, लोग दोबारा ऐसे गलत काम करना स्टार्ट हो जाएंगे, जो हम काम सांबा में इंडस्ट्री आई है उसकी वजह से अगर कामकाज चल रहा है लोगों का, तो ये छोड़कर गलत काम की तरफ ही लोग जाएंगे, और लोग क्राइम रेट बढ़ जाएगा, उसके बाद दोबारा पहले जैसे हालात बनेंगे, तो हम वो लोग हैं, हम वो देशभक्त लोग हैं जो हिंदुस्तान का झंडा उठाकर खड़ा करते हैं, यहां पर भी जाएंगे, हिंदुस्तान का झंडा खड़ा करेंगे, भारत माता की जय बोलेंगे। हम नहीं चाहते कि हम यहां पे पत्थर मारें, हम नहीं चाहते भारत माता की जय बोलने वाले लोग जहां पे कोई भी देश के खिलाफ काम करे, देश विरोधी नारे लगाए या कोई भी बात करे, लेकिन अगर हालात ऐसे होते हैं तो मजबूर होके हमें ऐसे काम, इनके लिए हमें जबरदस्ती, मतलब इसके बीच में थोपने के काम किए जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि एक नीरज नहीं, ऐसे हजारों नीरज हैं हमारे सांबा में जिनके साथ ऐसा किया जाता है, और लास्ट में जब उनको बोला जाता है, उन्होंने किसी और कंपनी में काम लेने के लिए जाना होता है, उनको रिटर्न में वहां पे लिखने के देना पड़ता है कि नहीं जी, हम अपनी मर्जी से कंपनी छोड़ रहे हैं। अलबत्ता एक HR की पोस्ट पे या किसी लेबरर की पोस्ट पे भी बंदा अगर बैठा हुआ है तो वो अपनी नौकरी क्यों छोड़ेगा, क्यों लिख के देगा? मैं आज भी आपको बताता हूं कि उस कंपनी के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है कि जो लेबरर अगर कंपनी में इंटर नहीं करते हैं तो हम उनको निकाल देंगे। ये सरासर बेइंसाफी जो हमारे लोगों के साथ की जा रही है, हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम हमारे गवर्नर महोदय सत्यपाल मलिक जी से मैं कहूंगा कि इस मैटर को पर्सनली लेके सांबा की जो हमारी इंडस्ट्रियल एरिया है, सांबा का IGC फर्स्ट है, यहां पे इनको पर्सनली एक लेटर निकाला जाए और इनको बोला जाए कि आप जो भी काम करेंगे रिटर्न में होना चाहिए, किसी एम्प्लॉय के साथ गलत नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको छोटी सी बात बताई थी कि NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट की तरफ से हमारे सांबा को 5 करोड़ रुपया जुर्माना किया गया है, तो नाम्स क्लियर नहीं है, पोल्यूशन के भी नाम्स क्लियर नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि 5 करोड़ रुपया जुर्माना होने के बावजूद पोल्यूशन सांबा ने कौन सा यहाँ पे कैंप लगाया है, या कौन से इन्होंने वहां पे छापे मारे हैं, या वो किया है? इन्होंने कुछ नहीं किया। इससे ऊपर कोई ना कोई सवालिया निशान इनके ऊपर भी उठता है कि अगर NGT दिल्ली की तरफ से इनको 5 करोड़ रुपया जुर्माना हो रहा है तो इन्होंने कितनी चेकिंग की? क्या इनके पास पोल्यूशन के पूरे नाम जो इन्होंने क्लियर करने थे, जो इनके प्लांट थे लगे हुए हैं? इसका मतलब कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, और हम इसकी वजह से जो जितना भी पोल्यूशन था हमारे बसंतर में और हमारी खेती बाड़ी कृषि को बढ़ावा देने के लिए इतना कुछ किया जा रहा है, लेकिन अगर आप जीरो ग्राउंड रियलिटी पे आके देखें, मैं आपको हमारे सांबा का जितना भी एरिया है सभी का दिखाऊंगा, वहां पे कोई खेती बाड़ी नहीं हो रही, लोग परेशान हैं, जितनी सब्जी वगैरह लगाते थे नीचे के सब परेशानी है। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों को, हम देशभक्त लोग हैं, हम भारत माता की जय कहने वाले लोग हैं, हमारे साथ अन्याय होना चाहिए, नीरज संभ्याल को बाल कीजिए, नीरज संभ्याल के साथ जितने भी हैं इन सभी को बाल कीजिए, लेकिन रिटर्न में हमें बोलने की हमसे गलती हुई है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं और ये कर लेते हैं, तो हम अभी बोल रहे हैं कि हम जाने के लिए तैयार हैं। अलबत्ता अगर इनको जैसे कि बकरियों की तरह इनको बाहर निकालें और बकरियों की तरह अंदर घुसा लें, ये हम कदे बर्दाश्त नहीं करें। एज ए सरपंच मैं कहता हूं कि सांबा का कोई भी इंसान अगर जिसको ये दिक्कत परेशानी होती है, मैं और मेरी टीम सारी उनके साथ तन मन धन से खड़े हैं और उनकी मदद के लिए हम सबसे आगे हैं। जय हिंद, जय भारत। ये जो सांबा के अंदर एक केस सामने आया हुआ है जिसके अंदर नीरज संभ्याल, जिनको बिना किसी
ऑर्डर के इस कंपनी द्वारा बाहर निकाला गया, उसी चीज़ को लेकर आज एडवाइज़र टू गवर्नर के शर्मा जी से ये पूरा डेलीगेशन मिला है सरपंच साहब की अध्यक्षता में। अब देखते हैं कि एडवाइज़र साहब इस चीज़ के ऊपर कब तक जो है पूरी तरह से नज़र देखते हैं और साथ में इनकी जो नौकरी है उसको बहाल करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो सरपंच साहब का ये भी कहना है कि शायद ये एजिटेशन बड़ा भी हो सकता है। आप लोग देखते रहे जेके मीडिया, और जितने भी लोग सांबा से इस वीडियो को देख रहे हैं और जितने भी एम्प्लॉयज़ इस कंपनी से सताए हुए हैं, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और शेयर करके अपनी तरफ से कमेंट भी ज़रूर लिखें। आप लोग देखते रहें जेके मीडिया, आशीष कोहली जेके मीडिया के लिए।